हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचेस इंस्टीट्यूट। और आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रॉपर पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाया था। ओके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एवरीथिंग आई हैव टॉट यू। ओके, और आज की इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ओनली डेली रूटीन को, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस को डेली रूटीन ग्रामर भी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक कॉमन डेली रूटीन जो होता है, ओके, एक आम आदमी का डेली रूटीन होता है, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। ओके, बहुत डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, जो मेन मेन होते हैं डेली रूटीन में वो मैंने लिखा है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे रूल्स की फॉलो करते हैं हम लोग, कैसे रूल को फॉलो करके, प्रेजेंट सिंपल टेंस को फॉलो करके एक अच्छा से डेली रूटीन बना सकते हैं और हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, चलिए तो बोर्ड पर चलते हैं, समझते हैं क्या होता है डेली रूटीन और कैसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करके एक अच्छा डेली रूटीन बना सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपके लिए प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली रूटीन के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो मैंने डेली रूटीन आपके लिए लिया है वो प्रॉपर अफर्मेटिव है, इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव मैंने ऐड नहीं किया है। बीच बीच में आपको समझाने के लिए मैं नेगेटिव यूज़ कर सकता हूँ। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। इसमें मैं जो रेगुलर, ओके, मतलब जो आम आदमी जो रेगुलर करते हैं ठीक काम, उसको मैंने एक दर्शाने की कोशिश किया है। ओके, तो कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे एनीबडी एल्स, ओके, कैसे अपने डेली रूटीन की शुरुआत करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखे कि आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, ओके, एट 5 o'clock, कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो गेट अप, उठने के लिए आप गेट अप का यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि खुद का डेली रूटीन है, सेल्फ का है, तो यहाँ पर मैं हम लोग लिए हैं, मैं मतलब होता है आई, ये क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं बस। ओके, सब्जेक्ट, और ये जो वर्ब गेटअप है वो क्या है, ये V1 है, वर्ब है। ओके, और एस और यस हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई है, इज इट क्लियर, फर्स्ट पर्सन है। ओके, चलिए तो आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग एट 5 o'clock, कि मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ। यहाँ पर वेकअप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेकअप का अर्थ होता है जागना। ओके, आँख खुलना, जागना, और बिस्तर से उठने के लिए हम लोग गेटअप यूज़ करते हैं। तो अक्सर लोग वेकअप यूज़ करते हैं, गेटअप यूज़ करते हैं, जस्ट कॉमन। ओके, सो आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग एट 5:30 o'clock, देन का मतलब होता है फिर, जैसा आपको पता है। ओके, देन आई गेट फ्रेश, फिर मैं रेडी होता हूँ। ओके, देन आई गेट रेडी भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश मतलब कि ब्रश करना, ओके, चेहरा वगैरह धोना, या फिर आप जो हम वॉशरूम में वॉशरूम जाते हैं तो वो हर चीज़ हम इसमें ले लेते हैं, तो आई गेट फ्रेश। ओके, आई गेट फ्रेश या आई गेट रेडी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन आई गेट फ्रेश आफ्टर गेटिंग फ्रेश। ओके, आफ्टर गेटिंग फ्रेश का क्या होता है, आफ्टर के बाद अगर आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देते हैं, आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, उसका मतलब होता है कि यह करने के बाद। ओके, तो आफ्टर गेटिंग फ्रेश, ओके, फ्रेश होने के बाद, ओके, आई गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक। ओके, सो आफ्टर गेटिंग फ्रेश आई गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक, देन आई कम बैक माई होम, फिर मैं, ओके, देन आफ्टर गेटिंग फ्रेश होने के बाद मैं पार्क जा, ओके, देन आई गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क जाता हूँ। देन आई कम बैक माई होम, फिर मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। ओके, और मॉर्निंग पार्क जा करके जो मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, उसको मैंने मेंशन नहीं किया है, जो मेन चीज़ें उसी को मैंने इसमें मेंशन किया है, इज इट क्लियर? ओके, देन आई कम बैक माई होम, फिर मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ। देन एंड टेक बाथ, और नहाता हूँ, इज इट क्लियर? देन आई कम बैक माई होम एंड टेक बाथ, मैं घर आता हूँ फिर मैं नहाता हूँ, इज इट क्लियर? After taking bath, I worship, नहाने के बाद मैं पूजा करता हूँ। ओके, आफ्टर टेकिंग बाथ आई worship, worship मतलब होता है क्या, पूजा करना। ओके, आई worship after that होता है उसके बाद। ओके, सो यहाँ पर आप वोकेबलरी भी काउंट करते रहिए। ओके, आई worship after that I take my breakfast, फिर मैं उसके बाद मैं अपना नाश्ता करता हूँ। ओके, उसके बाद मैं अपना नाश्ता करता हूँ। देन मतलब होता है फिर, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखाया है वैसे कि फिर। ओके, ओके, देन आई गो टू माई ऑफिस,
ओके देन आई गो टू माई ऑफिस, फिर मैं अपना ऑफिस जाता हूँ, या आप और कुछ भी यहाँ पास लिख सकते हैं. देन आई गो टू स्कूल, देन आई गो टू कॉलेज. ओके और कॉलेज के बाद जो और कॉलेज से मतलब कॉलेज जब जाते हैं तो आप क्या क्या करते हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में. ओके देन आई गो टू कॉलेज, ओके या स्कूल. ओके आई गो टू माई ऑफिस, आई डू माई वर्क इन द ऑफिस. ओके और मैं ऑफिस में अपना काम करता हूँ. ओके आई डू माई वर्क्स इन द ऑफिस और मैं ऑफिस में अपना काम करता हूँ. आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क, ओके मैं अपना काम खत्म करने के बाद, ओके मैं अपना काम खत्म करने के बाद आई कम बैक माई होम. ओके अपना काम ऑफिस में अपना काम खत्म करने के बाद आई कम बैक माई होम, मैं अपने घर वापस आता हूँ. एंड आई स्पेंड सम क्वालिटी टाइम्स विथ माई फैमिली मेम्बर्स. फिर मैं ऑफिस से आने के बाद आई स्पेंड मतलब होता है बिताना, खर्च करना. ओके सम क्वालिटी टाइम, ओके कुछ सम क्वालिटी योग्यता मतलब योग्य मतलब अच्छा पल. ओके आई स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ माई फैमिली मेम्बर, मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ अपने महत्वपूर्ण टाइम क्वालिटी टाइम बिताता हूँ. अराउंड का अर्थ होगा यहाँ पास लगभग. ओके अराउंड 8 o'clock, लगभग 8 बजे के 8:30 बजे के आसपास, लगभग या आसपास. ओके तो 8:30 बजे के आसपास आई हैव माई डिनर, मैं अपना डिनर जो है अपनी रात का खाना जो है वो खाता हूँ. ओके देन उसके बाद फिर आई रीड, यहाँ पास ना एक चीज़ लिखना भूल गया मैं, रीड बुक सम, यहाँ पास मैं यूज़ करता हूँ उसके लिए रीड. देन आई रीड बुक, देन आई रीड बुक एंड गो टू स्लीप. देन आई रीड बुक एंड गो टू स्लीप. आप इस जगह पर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं. ओके देन आई वॉच मूवीज, आई वॉच सीरीज. ओके आई वॉच यूट्यूब. तो आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं. ओके चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा आपको समझाया है क्या लिया हमने. देखिए कुछ एक थोड़ा सा एग्जांपल पर समझ लेते हैं कुछ भी चीज़ को. जैसे कि ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ओके ये रहा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बाकी यह हो जाए हमारा ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? तो जब आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं केवल, तो ये आराम से प्रेजेंट सिंपल टेंस के थ्रू आपका डेली रूटीन बन जाता है, और आसानी से इस चीज़ को आप रेगुलर रोज यूज़ कर करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. हाँ डेली रूटीन हर दिन सेम ही होता है, लेकिन आप उसको नया करके आप हर दिन एक नए तरीके से उसको बना सकते हैं. इसलिए हर एक डिटेल को अगर आप टच करेंगे तो हर दिन नया नहीं होता है, आप नई चीज़ें सीखते जाएंगे अपने डेली रूटीन से. इज इट क्लियर? इसमें आप नेगेटिव चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पास मैं एक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, आई हैव माई डिनर एंड आई डोंट वॉच टीवी बट आई रीड बुक. ओके मैं टीवी नहीं देखता लेकिन मैं किताबें पढ़ता हूँ. इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप नेगेटिव चीज़ भी यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन को अपने डेली रूटीन को और अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज़ द प्रॉपर डेली रूटीन ऑफ अ कॉमन पर्सन. इज दैट क्लियर? मतलब कि ये सभी का है, मेन चीज़ों सभी यूज़ करते हैं इसमें से. इज दैट क्लियर? बट आप और उसमें एक्स्ट्रा नए चीज़ डाल के अपनी डेली रूटीन को इन्हेंस कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं. सो आई होप कि ये जो डेली रूटीन का वीडियो है, ये जो प्रॉपर प्रैक्टिस प्रेजेंट सिंपल टाइप सिंपल का ही आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट वीडियो में.